हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट। पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम आटा लिया है मैदे का, और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैंने आधा छोटे चम्मच इसमें नमक डाला है। थोड़ा सा अजवाइन पाउडर डाल रही हूँ, करीबन 1/4 टेबल स्पून, और आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। हमें घी ही डालना है, इसमें ऑयल नहीं डालना है, घी ही डालना है। 2 चम्मच हम घी डालेंगे और इसे हम पानी डालते हुए अच्छे से गूंद लेंगे। आटा हमने गूंद लिया है और एकदम सॉफ्ट आटा है, ना ज़्यादा हार्ड है, और इसे बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट रखना है। ये देखिए, ये पूरा अच्छी तरह से आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब हम इसे बेलेंगे। पहले लोई हम बनाएंगे एक बड़ी सी। इसे बेलेंगे, हमें एकदम पतला नहीं बेलना है। ये थोड़ी मोटी होती है। हम इसे चारों तरफ से एक साइज का कर लेंगे। वरना ये कहीं से मोटी और कहीं से पतली रहेगी, तो हमें ऐसा नहीं रखना है इसे। हम इसको इसीलिए सभी तरफ से एक तरह का एक समान कर रहे हैं। अब हम फोक की सहायता से इसमें इस तरह से होल कर देंगे, जिससे ये हमारी पापड़ियाँ फूले ना। अगर हम इसमें होल नहीं करेंगे तो हमारी पापड़ियाँ फूलेंगी और फिर वो पापड़ी नहीं रह जाएगी, इसलिए हमें इस तरह से इसमें फोक करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने पूरे में फोक कर दिया है। अब हम इसे किसी भी कटर की सहायता से, गोल कटर या कोई ढक्कन हो आपके पास, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। इसकी साइज़ मिनिमम होनी चाहिए कि जो खाते समय दिक्कत ना हो। हमें इतनी साइज़ वाला कोई भी ढक्कन ले लेना है, या आपके पास कटर हो तो आप कटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ढक्कन लिया है और ये साइज़ मुझे बिल्कुल सही लगी है कि खाने में भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम प्रेस करके इसको निकाल देंगे और ये पूरा आसपास का जो आटा है, जो से अलग हो गया है इन पूड़ियों से, इनको हम हटा देंगे। इस तरह से हम पूरा आटा निकाल लेंगे और ये हमें पापड़ियाँ मिल गई हैं। अब हम इन्हें मीडियम आंच में तल लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी मोटी हैं रोटी की अपेक्षा, हमें इसे थोड़ा मोटा रखना है। इस तरह से अब हम इसे
इसे हमें मीडियम आंच पे तलना है। इसे हमें मीडियम आंच पे हल्का ब्राउन होने तक तलना है दोनों साइड से। हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तैयार हो गए हैं, हमने इन्हें पलट भी लिया है और पलट कर भी सिकाई कर ली है इसकी। ये सिक गए हैं पीछे से भी, ये देखिए दोनों तरफ से ये सिक गए हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ पर चार उबले आलू लिए हैं, उन्हें मैश कर लिया है। अब हम इसमें चाट मसाला मिक्स कर रहे हैं, आधा चम्मच। नमक 1/4 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक प्लेट में हमने सारी पापड़ी लगा ली हैं, इस तरह से लगा लेंगे। उसमें हम आलू जो हमने मसाला मिक्स किया है उसे हम इसमें रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर। काला नमक। अब इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी। अब इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी। अब इसमें डालेंगे हम भेल वाली सेव, जो बारीक सेव रहती है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। पापड़ी चाट तैयार है, आप इसे बनाइए, खिलाइए, खाइए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।